हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कुलदीप किचन। कुलदीप किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो मैदा और अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम सूजी। इसके बाद हम ऐड करेंगे चीनी, बस 2 टेबल स्पून, और इसमें ऐड करेंगे हल्का सा सॉल्ट, नमक, और इसमें ऐड करेंगे दही। तो सबसे मेन चीज़ दही है। इसमें दही ऐड करने से ये थोड़ा भटूरा अच्छे से फूलेगा भटूरा। तो दही ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे। इसे इसको मिलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। इसको अच्छी तरह से आप गूंथेंगे, डालें तो इसको अच्छी तरह से अब गूंथा जाएगा। तैयार हो चुका है और अब इसको आधे घंटे से 45 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और इसमें सूजी और सब मिक्स हो जाए। तो इसको अब ढक के आधे घंटे से या 45 मिनट तक रख दें। फिर इसको हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया और हमने लिया है ये 250 ग्राम काबली चना और हमने लिया 250 ग्राम काबली चना और इसको हमने रात में भिगो कर रख दिया था और ये फूल कर अच्छी तरह हो चुका है। तो और हमने यहाँ मसाले में लिया है ये जीरा और लाल मिर्च और ये लौंग, इलायची और जीरा, तो और धनिया और दालचीनी। हमने इधर हमने लिया है प्याज, ये 250 ग्राम लगभग प्याज है, और टमाटर 4 कटे हुए लिए हैं, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं। तो इन सबको हम पेस्ट बनाएंगे। तो अब चलते हैं। हमने गैस को ऑन कर लिया है और ये कुकर गर्म हो चुका है। इसमें अब ऐड करेंगे तेल, ऑयल 3 टेबल स्पून ऑयल हो गया। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें ऐड करेंगे जीरा 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। और जीरा गर्म हो चुका है और इसमें सारे मसाले खड़े ऐड कर देंगे। इसको सारे मसाले एकदम अच्छे से पक चुके हैं और अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था तो ये रहा प्याज का पेस्ट, अब इसमें डालते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है और हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट एक ही और टमाटर का एक ही में बना लिया था, तो इसमें सारे तीनों चीज़ इसी में हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से भूजेंगे, एकदम भून लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो अभी मसाले आधे पक चुके हैं और अब इसमें हम पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे। इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे आधी चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधे चम्मच करेंगे, गोल मिर्च पाउडर 5 टेबल स्पून, इसके बाद नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको बस 4-5 मिनट इसे और पकाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चने। हो चुके हैं और मसाले ने अपना ये तेल छोड़ चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे काबली चना, तो इसमें काबली चना ऐड कर चुके हैं और अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। इसको 2-3 मिनट और ऐसे ढक के रख देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें ऐड करेंगे पानी।
तो आपको तो आप इसको बंद करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। तो ढक्कन को लगा दिया है और अब इसको 5 से 6 सीटी दिला मैक्सिमम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए।